अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाई ने सवाल किया है कि हज करने वाला अपना एहराम धो सकता है या नहीं धो सकता। तो अगर ज़रूरत है, जैसे एहराम की चादरें जो हैं वो ज़्यादा मैली हो गई हैं या नापाक हो गई हैं, तो उनको धोया भी जा सकता है और बदला भी जा सकता है। एहराम सिर्फ इन दो चादरों के पहनने का नाम नहीं है, बल्कि ये अपने ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ आयद करने का नाम है, और वो पाबंदियाँ जो हैं वो हज इफराद वाले के लिए रमी करने के बाद और तवाफ़ ज़्यारा करने के बाद मुकम्मल हो जाती हैं, एहराम खुल जाता है। दौरान मनासी के हज अगर एहराम की चादरें बदलना चाहें तो बदलने की इजाज़त है, धोने की भी इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।